हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने कुकिंग चैनल आंचल की रसोई में। दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो उत्तराखंड में पूजा में बनने वाली स्पेशल डिश है। क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूं तो ये रेसिपी शेयर करना तो बनता है। इस रेसिपी का नाम है रोट। रोट को पूजा के कई ओकेजन्स में बनाया जाता है, जैसे संक्रांति, नवरात्रि। मैंने अपने घर में भी यही कल्चर देखा है, चाहे मायका हो या ससुराल। एक और बात आपको बताती हूँ, उत्तराखंड में अभी भी कई जगह ऐसा ट्रेडिशन है कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो जब वो पहली बार अपने मायके या ससुराल जाती है तो अपने कुल देवी या देवता को रोट एज अ प्रसाद अर्पण करती है। और रोट को तोड़कर जब चढ़ाया जाता है तो उसे रोट काटना कहते हैं। आज दुर्गा अष्टमी है, आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं भी इस रेसिपी को अपने घर पर बना रही हूँ, तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रोट बनाने के लिए हमें चाहिए 2.25 मुट्ठी गेहूं का आटा, लगभग आधी कटोरी चीनी। मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर यूज़ की है, आप इसकी जगह गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग 1 कटोरी घी, थोड़ा सा मोयन के लिए, बाकी रोट को तवे पर सेकने के लिए, और 1 कप पानी। सबसे पहले लेंगे हम एक बर्तन। इस बर्तन में हम डालेंगे 1 कप पानी। अब हम इस पानी को बॉयल होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम गैस ऑन कर देते हैं। जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चीनी डाल देंगे। पानी अब उबल रहा है, इसमें हम डालेंगे ये चीनी। इस चम्मच को हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक चीनी पूरी तरीके से घुल ना जाए। चीनी पूरी तरीके से घुल चुकी है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब हमने इसे नीचे उतार लिया है और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे एक कोने पर 7 से 8 मिनट के लिए। साथ ही हम अब करते हैं आटा गूंदने की तैयारी। ये मैंने ली है एक छोटी सी परात। इसमें मैं डालूँगी 2.25 मुट्ठी आटा। 2.25 मुट्ठी ही क्यों लिया है, क्योंकि ये ट्रेडिशनली होता आ रहा है 1.25 मुट्ठी, 2.25 मुट्ठी, 3 मुट्ठी। और हमें 2 रोट ही बनाने होते हैं। एक रोट में हमारे यहाँ कहते हैं कि इखारा ठीक नहीं होता या इखारचू खूब नहीं होंदू, तो 2 रोट बनाएंगे जिसके लिए 1.25 मुट्ठी आटा कम हो जाता है और रोट का साइज़ भी मोटा होता है, दैट्स वाई 2.25 मुट्ठी आटा। एक, दो और थोड़ा सा और। पानी हो चुका है ठंडा, मैंने इसे कप में रख दिया है। अब हम आटा गूंदेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले जो घी है इसे थोड़ा सा मोयन के लिए यूज़ करूँगी। गढ़वाली में इसे मोड़ कहते हैं। इसे यूज़ करने से रोट जो है वो क्रिस्पी बनता है। मैंने यहाँ पे डाला है 4 चम्मच घी। इसके बाद इसे आटे में अच्छे से मिला लेंगे। आप ज़रूरत के हिसाब से मोंड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आटे में घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ये चीनी वाला पानी डाल के थोड़ा ड्राई ही गूंदेंगे। इसका हमें सख्त आटा लगा लेना है। तो ये आटा गूंदकर हो चुका है रेडी। ये थोड़ा मैंने हार्ड ही गूंदा है। अब हम इस गूंथे हुए आटे को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे और इनकी अलग अलग गोलियां बना लेंगे। रोट की मोटाई रोटी से थोड़ा ज़्यादा होती है, ये थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए इसे रोट कहते हैं। इसके नाम पे स्टिफनेस होती है। रोटी जो है वो नाम से ही पता चलता है कि सॉफ्ट होगी। तो ये हमने 2 बराबर साइज़ की गोलियां बना ली हैं। अब हम गैस ऑन करते हैं। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अब हम इन्हें बेलेंगे। पहली गोली को हम थोड़ा सा बर्तन में लपेट के अब इसका रोट जो है बेल देते हैं हल्के हाथों से। तो ये पहला रोट
हमने बेल कर कर लिया है तैयार। जब तवा गर्म हो जाए तो हम उसमें एक चम्मच घी डाल देंगे। इस घी को हम इस तवे पर चारों तरफ फैला लेंगे। अब हम इसे तवे पर डालते हैं। इसे हम दोनों हाथों से पकड़ लेंगे क्योंकि ये बहुत हार्ड है, तो अगर इसे हम दोनों हाथों पे ऐसे चलाएंगे तो ये बीच से टूट सकता है, तो इसे हम सॉफ्ट हाथ से ऐसे करके तवे पर डालते हैं। इस घी को चारों तरफ रोट के हम चला लेते हैं ताकि रोट चारों तरफ से पक जाए। रोट एक तरफ से सिक चुका है, अब हम इसे दूसरी साइड पलट लेंगे। हम इसके साइड्स में घी डालते हैं जिससे इसकी साइड्स और बीच का हिस्सा, जो निचला हिस्सा है, वो अच्छे से पक जाए। फ्लेम मीडियम है तो ये जलेगा नहीं। इसे आप चारों तरफ ऐसे चला लें जिससे इसके सारे कोने अच्छे से पक जाए। ये रोट बनकर हो गया है तैयार। अब हम इसे प्लेट में डाल देंगे। इसी तरीके से हम दूसरा रोट भी डालेंगे। इसे भी हम सॉफ्ट हाथों से इस तरीके से रखेंगे। इसमें घी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि रोट मोटा होता है और फ्लेम इसकी मीडियम रहती है, क्योंकि इसे अंदर से पकना होता है, तो घी और मीडियम फ्लेम जो है इसे पकने में हेल्प करते हैं। तो दूसरा रोट भी पककर तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में ले लेते हैं। दोस्तों, तो ये रोट बनकर हो गया है रेडी। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। इस रेसिपी को मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है। इसे इन्हीं बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया जाता है, तो आप भी इसे अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ये ट्रेडिशनल रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।